कोरंगी के चेयरमैन ने रमजान यौम आशूरा के सिलसिले में जारी कामों का जायजा लिया। अहमदिया कोरंगी नंबर 4 मस्जिद असना शरीफ इमाम बारगाह का दौरा करते हुए नए रमजान ने भरपूर तआवुन की यकीन दहानी कराई, जबकि स्ट्रीट लाइट्स के मसले को फौरी हल करवाने के अहकाम जारी किए। उनका कहना था कि फंड्स की कमी है, सिंध हुकूमत फंड्स का इजरा करे। डिस्ट्रिक्ट कोरंगी के 4 जोन है हमारे पास, लांडी कोरंगी मलिर शाह फैसल, और इसके अंदर सीसी फ्लोरिंग रोड कारपेटिंग लाइट्स के जितने भी इंसाम हैं मुहर्रम के हवाले से वो हम सारे अरेंज कर रहे हैं और वो हो भी रहे हैं। फंड्स का तो इशू है, डेवलपमेंट फंड जो है हमें सिंध गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो फंड्स हमें डेवलपमेंट फंड्स दिए जाएं ताकि हम बेहतर तरीके से नीचे उसको डिलीवर कर सकें। जाफरी अलायंस के रहनुमा शबीर का कहना था कि इंतजामिया तआवुन कर रही है, इन्होंने बहुत हद तक जो है कि काम किए भी हैं, लेकिन आपको पता है कि हर जगह जो है कि अभी भी कमी तो रह जाती है। कमी है वो हमने सब उनको विज़िट भी कराया जहाँ जहाँ के ऊपर रह गई, और इन्होंने हिदायत भी जारी किए हैं। इंशाल्लाह जो है कि वो भी जो है कि जल्द अज जल्द जो है कि उम्मीद करते हैं कि वो भी हो जाएगा। मुहर्रम अल हराम के इस माह में यौम आशूरा के लिए खुसूसी तैयारियाँ जारी हैं। इंतजामिया की आवाम से अपील है कि अपनी शिकायत डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में जमा करवाएँ। कैमरा मैन दिलशाद इलियास के साथ जुनेद जावेद, मेट्रो 1 न्यूज़, कराची।